ठीक है, बट एनसीईआरटी वर्ड्स पे फोकस करो, ध्यान सुनते जाना मेरे साथ था। सी स्टैंड्स फॉर क्लासरूम, ठीक है, क्लास रोज अटेंड करनी, ये मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बनाया है और उसमें सारा कवर हो रहा है। सी स्टैंड्स फॉर क्लासरूम, एन स्टैंड्स फॉर नोट्स, ठीक है, फिर आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन, ठीक है, आगे पीछे है बट संभाल लेना, पूरा कवर हो जाएगा। सी स्टैंड्स फॉर क्लासरूम, रोज क्लास अटेंड करनी है, एन स्टैंड्स फॉर नोट्स, आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन, ई स्टैंड्स फॉर एवरीडे, समझ में, रोज ये काम रोज। अब उसके बाद में बचा टी, मेरे ख्याल से इतने समझदार हो तुम कि टी का क्या मतलब है, और टी जो जो फॉलो करता है शायद उन्हीं की रैंक अच्छी आती है। टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट, तो आपने अगर टेस्ट कंप्लीट कर दिए सारे देते गए तो फिर कोई नहीं है, समझ में। तो एनसीईआरटी वाला वो जो लक्ष्मण रेखा वाला जो रूल है सर बोल रहे हैं वो फॉलो करो, बाकी थ्योरी वाइज एनसीईआरटी केमिस्ट्री में सिर्फ फॉलो करो। एन स्टैंड्स फॉर नोट्स, सी स्टैंड्स फॉर क्लास, ई स्टैंड्स फॉर एवरीडे, आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन, टी स्टैंड फॉर टेस्ट। वाह, और ये भी नेट पे कहीं नहीं है। वाह, चलो ये कॉपीराइट हो गया सचिन सर आपका। सो दिस एनसीईआरटी की नई डेफिनेशन।